एकादशी का सबको शुभकामनाएं। मैं उषा तिवारी आज बता रही हूँ पापा कुशाम एकादशी कब है। पापाम कुशा एकादशी के व्रत रखने से पाप का नाश होता है और विष्णु का सानिध्य मिलता है। जब मृत्यु के पश्चात हमें विष्णु लोक में स्थान मिलेगा तो एकादशी व्रत अवश्य रखें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी सहित पूजा करें और विष्णु भगवान को तुलसी का माला अर्पित करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करने से विष्णु जी का कृपा प्राप्त होती है और शाम को तुलसी में जरूर दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अगर करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। यहाँ भी सांसारिक सुख भोगने के बाद मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में गो लोक में स्थान मिलता है। एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ बहनें हमारी बोली हैं कि क्या कृष्ण पक्ष की व्रत करें कि नहीं, तो दोनों पक्षों की एकादशी का बहुत महत्व है, दोनों पक्षों का एकादशी व्रत रखना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें ताकि और बहनें हमारी इस व्रत को जतन पूर्वक करें। एकादशी व्रत के दिन अन्न खाना ही पाप है, इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करें। 8 वर्ष के आयु से एकादशी व्रत उठा सकते हैं और मरने के पश्चात ही एकादशी व्रत छूटे। भगवान यही सबको आशीर्वाद दें और सबका कल्याण करें। बोलिए जय श्री राधे राधे।